आपने आज तक सुना होगा कि पुलिस किसी की जासूसी करती है। मान लीजिए कि कोई अपराधी है जिसे गिरफ्तार करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए पुलिस कई तरह से उसकी रैगी करती है और उसकी जासूसी करती है। लेकिन यदि हम कहें कि पुलिस वाले अपने ही कप्तान की जासूसी कर रहे हैं, सुनने में आपको जरा अजीब लग सकता है, मगर ये बात सच है और यह हुआ है राजस्थान के भिवाड़ी में। राजस्थान के भिवाड़ी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। भिवाड़ी में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ही पुलिस अधीक्षक यानी कि जिले की एसपी की लोकेशन ले रहे थे और उन पर नजर रख रहे थे। 15 से ज्यादा बार एसपी की लोकेशन निकाली गई और मोबाइल पर नजर रखी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और भिवाड़ी में तैनात एक एसआई समेत 7 पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड भी कर दिया गया है। खुद पुलिस विभाग साइबर सेल के अधिकारी और कर्मचारी भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय की फोन की लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे और एसपी कहां जा रही है, क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ये सभी जानकारी जुटा रहे थे। मामला सामने आते ही एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने साइबर सेल की इंचार्ज एसआई सहित 1 हेड कांस्टेबल और 5 आरक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अब एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने पुलिस मुख्यालय को भी जानकारी दे दी है। जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा का इस मामले को लेकर कहना है कि मामले में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। इस मामले में 7 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों ने कई बार पुलिस अधीक्षक की लोकेशन निकाली थी। वहीं इस मामले को लेकर एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय का कहना है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है और इस बात पर उनको विश्वास ही नहीं था कि उन्हीं के विभाग के लोग उन पर नजर रख रहे हैं। उनको इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनकी ही पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारी उनकी लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं और इसके साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ज्येष्ठा मैत्रेय ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद जब उन्होंने गोपनीय तरीके से इस मामले की सत्यता की जांच करवाई गई तो ये मामला सही पाया गया, जिसके बाद भिवाड़ी साइबर सेल के इंचार्ज एसआई श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल राहुल, मनीष और दीपक सहित 2 और लोगों को इस मामले में निलंबित कर दिया गया। आगे अब इस मामले में किन किन और पुलिस कर्मियों और इसके साथ ही कर्मचारियों की भूमिका है, इसकी भी जांच की जा रही है। जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने इस मामले को लेकर मीडिया के सामने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं का जो कोई भी एविडेंस होता है, वो एविडेंस परमानेंट नेचर का होता है। जब से साइबर सेल गठित हुआ है, उधर ये भिवाड़ी जिला जब से बना, तब से लेकर आज तक जो जो भी यहाँ की टेक्निकल सेल, साइबर सेल द्वारा जो कार्य किए गए हैं, वो सारे कार्यों का डिजिटल एविडेंस मौजूद रहता है। उन समस्त के संबंध में जांच करें, ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है, इससे पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो, तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस इकट्ठा है, उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो सामने उस पर कार्य। जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं, तो ब्लैक शिप हर जगह होते हैं, जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे पुलिस के कोई अधिकारी हो, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो, उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाएगी।